जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल और उसके ग्रह। दोस्तों, ये ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक है जो कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, यानी कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक में से ज़रूर ही बनता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं सौर मंडल किसे कहते हैं। सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्काओं, क्षुद्रग्रहों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य और सभी खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं। पूछ लिया जाता है कि सौरमंडल में सूर्य और सभी खगोलीय पिंड जो है वो एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं या कैसे जुड़े हुए होते हैं। तो वे होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। सौरमंडल केंद्र में हमारा सूर्य स्थित है। कौन स्थित है? सूर्य। तथा यह सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा भी है। तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्लाज्मा अवस्था में होता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिनके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। दोस्तों, आज आप कुछ भी भूल सकते हैं, लेकिन इन 8 ग्रहों को आप नहीं भूलने वाले हैं। ये तो आपका आज कन्फर्म हो जाएगा, बिल्कुल कंटस्ट। तो 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और इन 8 ग्रहों के 172 ज्ञात उपग्रह हैं, 5 भूने ग्रह हैं तथा अरबों छोटे छोटे पिंड हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। आकार में बहुत छोटे होने के कारण प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बोने ग्रह की श्रेणी में गिना जाता है। तो प्लूटो को किस वजह से ग्रहों की संख्या में से निकाला गया है? आकार में छोटा होने के कारण। तो अब प्लूटो जो है बोने ग्रह की श्रेणी में आता है। दोस्तों, ये हमारा सौरमंडल है। इसमें अगर हम देखें तो ये जो है ये सूर्य हो गया। इसके जो नज़दीक है, सबसे नज़दीक वो बुध है। तो सबसे नज़दीक ग्रह बुध। फिर आता है शुक्र। शुक्र जो है दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। अब आप पूछेंगे या कंफ्यूज होंगे कि पास तो मरकरी है, बुध है, तो ये शुक्र जो है वो गर्म कैसे हुआ? तो ये शुक्र ग्रह है, उस पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। इस वजह से शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कहलाता है। तो बुध, शुक्र, इनको हम जोड़े में याद रखेंगे ताकि हम भूलना, और सिस्टमेटिक चलेंगे याद करते हुए। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, तो मंगल पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये प्लूटो हमारा अब बाहर निकल चुका है, पहले इन्हीं की श्रेणी में आता था, लेकिन आज भी ये अपनी ही जगह पर है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आप इसको एक बार ध्यान में रखकर याद रख सकते हैं कि जब भी आप इनके याद करेंगे तो जैसे कि बुध और शुक्र एक दिन का गैप हो गया, लेकिन बुध शुक्र के बीच में याद है बृहस्पति, तो इसको एक दिन का गैप हो गया, इसमें बुध के बाद शुक्र आया, फिर पृथ्वी और मंगल, मंगल के बाद एक दिन का गैप, फिर बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद एक दिन का गैप, फिर शनिवार। तो बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि और बीच में कौन कौन है? पृथ्वी, मंगल। अब
इन ग्रहों के अलावा भी छोटे छोटे ग्रह भी पाए जाते हैं जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। ये जो दिख रहा है आपको ये वाले, इनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, जब इन पृथ्वी पर या मंगल पर पड़ते हैं तो ये इनमें जो है गहरे गहरे गड्ढे कर देते हैं और ये एक तरह से आग का गोला गोले के रूप में होते हैं। देखिए जैसे एक कोमेट आ रहा है धूमकेतु, ये भी इसी का ही भाग है। आपने सुना होगा कि अभी रिसेंटली की पृथ्वी पर ये न्यूज़ आई थी कि कोई धूमकेतु या कोमेट गिर रहा है, तो वो यही होते हैं। एक बात और, आपने सुना होगा कि चांद पर दाग, तो वो चांद पर दाग क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया कि जो ये उल्का पिंड है ये आगे बढ़ते हुए जब पृथ्वी की सतह पर टकराते हैं तो पृथ्वी को ऊपर क्या है, चंद्रमा। तो जब चंद्रमा पर ये आकर गिरेंगे तो चंद्रमा पर कुछ चीज़ मतलब कहीं पर गिरेगी तो वो उसमें दबाव मतलब गड्ढा कर देगी, तो जो चंद्रमा पर है वो गड्ढा ही है इन उल्का पिंडों का। तो इसी वजह से जो है वहाँ पर गड्ढे बन गए और गड्ढे में जो है प्रकाश नहीं जा पाता, इसीलिए उन्हें ही चांद का दाग कहा जाता है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि यह सब आपको समझ में आ गया होगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण और सबसे लास्ट में क्षुद्र ग्रह प्लूटो। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। हालांकि सूर्य एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। पृथ्वी और चंद्रमा की भी एक अलग अलग वीडियो जाएंगी क्योंकि ये तीनों ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो इसमें हमको सिर्फ सौरमंडल के बारे में पढ़ना है, डिटेल में नहीं जाना है। तो सौरमंडल किसे कहते हैं, यह समझने के लिए हमें सूर्य को समझना होगा। सूर्य जो है सौरमंडल का मुखिया होता है, तो सौरमंडल का मुखिया सूर्य, जो कि मंदाकिनी गैलेक्सी में अवस्थित है। हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, मंदाकिनी। और एक क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि मंदाकिनी गैलेक्सी के नज़दीक या हमारी गैलेक्सी के नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है, गैलेक्सी है, तो वो है देवयानी। मंदाकिनी के नज़दीकी गैलेक्सी देवयानी। आकाशगंगा के अरबों तारों में सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारों की भांति सूर्य में भी विशाल ऊर्जा व ऊष्मा का स्रोत है जो कि नाभिकीय संलयन द्वारा संपन्न होती है। तो सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा व ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो किसके द्वारा होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रत्येक तारे में हाइड्रोजन व हीलियम 90% से अधिक होता है। जब हाइड्रोजन के चार नाभिक संलयित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं और यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय संलयन में क्या क्या होगा, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होगा, चार हाइड्रोजन का एक हीलियम के नाभिक का संलयन होगा आपस में। अब देखते हैं बुध ग्रह मरकरी। यह सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है, जैसे कि हमने भी समझाया आपको, साथ ही यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। सबसे निकट ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में 88 डेज में पूरी करता है तथा यह ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी पूरी करता है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह के दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम चला जाता है गर्मियों में 42, 43, 44, लेकिन यहाँ पर जो देखा जाए तो 427 डिग्री सेल्सियस, मतलब पृथ्वी के टेम्परेचर दिन के टेम्परेचर से 10 गुना ज़्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी गर्मी होगी दिन के समय। और रात में बुध ग्रह का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस है, -173। हमारे तो 14 डिग्री सेल्सियस में हार्ड कपकपाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कितना है, -173 डिग्री सेल्सियस।
हालांकि घबराने वाली बात नहीं है, वहाँ पर कोई रहता नहीं है, या रहता भी होगा तो फिर हालांकि अभी तक इसकी जानकारी नहीं हुई है कि वहाँ पर कोई रहता भी हो। तो दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस और रात में बुध ग्रह का तापमान -173 या 173 -173 डिग्री सेल्सियस। इसी कारण यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है और यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। देखो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जीवन कहाँ संभव हो जाएगा। तो वायुमंडल के अभाव के कारण दिन का टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस और रात का 173 -173 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ याद रखनी है कि सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है, आकार में सबसे छोटा ग्रह है वो भी बुध है, सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी पूरी करता है कौन, बुध ग्रह। ये 4-5 क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये याद रखने हैं। 1, 2, 3, 4 और 1, 5। हालांकि वायुमंडल से ही क्वेश्चन पूछ लिया था, 6 क्वेश्चन। अब देखते हैं शुक्र ग्रह वीनस। शुक्र को सुंदरता की देवी भी कहा जाता है तथा इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी और शुक्र का आकार, घनत्व और व्यास लगभग एक जैसा ही है। इसे सर्वाधिक गर्म ग्रह भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं। तो सुंदरता की देवी किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की जुड़ी बहन किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। पृथ्वी का भतीजा या पृथ्वी की भाई या पृथ्वी का चाचा, ये किसे कहा जाएगा, शुक्र ग्रह को। जब भी कोई रिलेशन टाइप में क्वेश्चन आएगा तो वो शुक्र ग्रह को ही माना जाएगा। हालांकि एक क्वेश्चन और बन जाएगा, आप इससे कंफ्यूज मत होना, एक यहाँ तो दे रखा है जुड़वा बहन, लेकिन एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जुड़वा ग्रह कौन से हैं। तो जुड़वा ग्रह आपको याद रखना है अरुण और वरुण है, हालांकि इनको हम आगे पढ़ेंगे लेकिन मैं यहीं पर इसको बता रहा हूँ। तो जुड़वा बहन शुक्र ग्रह और जुड़वा ग्रह अरुण और वरुण। और गर्म होने, सर्वाधिक गर्म होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह शुक्र ग्रह। इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 224.7 दिन का समय लगता है। शुक्र का कोई ग्रह उपग्रह नहीं है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं मेन मेन, एक तो हो गया सुंदरता की देवी कौन है, शुक्र ग्रह। पृथ्वी की जुड़ो बहन शुक्र ग्रह। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह। सर्वाधिक चमकने वाला सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह शुक्र ग्रह। ये जो है मैनमेन क्वेश्चन है इसके। अब देखते हैं पृथ्वी ग्रह अर्थ। इसकी जो है मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा अलग से, हालांकि आप इसको अभी इतने ही समझिए। सौरमंडल का यह तीसरा ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, यानी कि जहाँ हम रह रहे हैं तो ऑब्वियसली जीवन संभव ही होगा। पृथ्वी पर 70% भाग पर जल तथा शेष भाग भूमि से ढका हुआ है। तो पृथ्वी का कितना परसेंट भाग जल है, 71%, और शेष भाग भूमि से ढका हुआ है जहाँ पर इंसान लेकिन हम रहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर परिभ्रमण या घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। दोस्तों जब पृथ्वी अपने अक्ष पर परिभ्रमण या घूर्णन करेगी तो दिन और रात होते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो सूर्य की परिक्रमा करेगी तो मौसम में चेंजेस होंगे, और जो हमारे 12 महीने होते हैं वो भी सूर्य की परिक्रमा जो करती है पृथ्वी उसी के द्वारा होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी की आकृति गोलाब है
जियोड है। एग्जाम में आप गोल मत लगा आना, वहाँ पर जो है जियोड लिखा होगा, गोलाब आपको याद रखना है। जियोड पृथ्वी का आकार जो है, यह आकृति जो है गोलाब है, जियोड है। अब देखते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह, रेड प्लैनेट। इसको घूर्णन करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में 687 डेज में कंप्लीट करता है। यह अपनी धुरी पर 25 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी कितनी झुकी हुई थी? 23.5 डिग्री, और ये 25 डिग्री। यहाँ की घाटियाँ, रेगिस्तान और बर्फीली चोटियाँ पृथ्वी के समान ही हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर ही स्थित है। तो सौरमंडल का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो है ओलंपस मोन्स। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की तरह यहाँ भी जीवन संभव हो सकता है। तो पृथ्वी के अलावा किस पर जीवन संभव है? मंगल पर, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल पाया गया है, क्योंकि रेगिस्तान भी है, घाटियाँ भी है और बर्फीली चोटियाँ भी है, तो इस कारण मंगल ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है। अब देखते हैं बृहस्पति, जुपिटर। इस ग्रह को पीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला ग्रह। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है सौरमंडल का? बृहस्पति। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में करता है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 वर्ष में पूरी करता है। इसका द्रव्यमान सौरमंडल के अन्य ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना तथा सूर्य के हजारवें भाग के बराबर है। इस ग्रह के 79 उपग्रह हैं। इस ग्रह पर हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस की अधिकता है। इसमें आप एक और लाइन और जोड़ लीजिए कि बृहस्पति सौरमंडल का एक ऐसा अकेला उपग्रह है जिसके जो है एक अलग ही सौरमंडल पाया जाता है। तो पीला ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में? 12 वर्ष में, अपना घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में। कितने उपग्रह पाए गए हैं? 79 उपग्रह पाए गए हैं। अब देखते हैं शनि ग्रह, सैटर्न। पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह ही है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन था? बृहस्पति। लेकिन इसमें पूछा गया है या कहा गया है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, तो वो शनि है। सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह 82 इसी ग्रह के हैं। बार बार उपग्रह ही निकल रहा है इसमें, जो कन्फ्यूज रहती है ग्रह और उपग्रह में। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह 82 शनि ग्रह के, और बृहस्पति कितने थे? 79। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है। शनि सूर्य की परिक्रमा लगभग 29 वर्ष में पूरी करता है, 29 ईयर्स। शनि ग्रह के 82 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। कौन है? टाइटन। शनि का एक उपग्रह है फोबोस, इसकी ये फोबोस बोलते हैं, फोबेस लिखा हुआ है। तो फोबेस एक उपग्रह है जो उल्टी दिशा में मूव करता है। सब तो करें क्लॉकवाइज, लेकिन ये जो उपग्रह है ये एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूमता है। सबसे बड़ा जो उपग्रह था वो टाइटन था, और सबसे छोटा उपग्रह जो है वो फोबोस है। इस ग्रह को गैलीलियो ने दूरबीन से खोजा था। शनि ग्रह पर 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम गैस है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के 82,
सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? शनि का। सबसे छोटा उपग्रह किसका है? शनि का, फोबोस। उल्टी दिशा में कौन सा उपग्रह मूव करता है? फोबोस। अब आता है हमारा अरुण, यूरेनस। यह दूरबीन द्वारा पाया जाने वाला पहला ग्रह था। याद रखना है कि दूरबीन द्वारा पाया जाने वाला पहला ग्रह अरुण ग्रह, इसे यूरेनस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेनस। यूरेनस प्रत्येक 84 ईयर्स में, पृथ्वी वर्षों में, सॉरी, यूरेनस प्रत्येक 84 पृथ्वी वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। सूर्य से इसकी औसत दूरी लगभग 3 अरब किलोमीटर है। कितनी है? 3 अरब किलोमीटर। यूरेनस का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 14.5 गुना है। यहाँ पर मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसे हरित ग्रह भी कहते हैं। तो हरित ग्रह कौन कहा जाता है? अरुण, यूरेनस। और किसके कारण? मीथेन गैस के कारण। यूरेनस के जो है 27 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूरा करता है। सूर्य से वरुण की दूरी, सॉरी, अरुण की दूरी 2870 मिलियन किलोमीटर है। अधिक झुका होने कारण यह लेटा हुआ प्रतीत होता है। इसी कारण लेटा हुआ ग्रह भी अरुण ग्रह को ही कहा जाता है। अब देखते हैं वरुण नेपच्यून। वरुण ग्रह को नेपच्यून भी कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन लगभग 16 या 19 घंटे में पूरा करता है। यह सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में पूरी करता है। व्यास के आधार पर, डायमीटर के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है। वरुण की सूर्य से दूरी 449 करोड़ 83 लाख है। अरुण व वरुण ग्रह को जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। देखिए, हमने भी पीछे पढ़ा था कि जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है, और किसकी है? वो पृथ्वी की जुड़वा बहन। और यहाँ पर क्या पूछा गया है? जुड़वा ग्रह। तो जुड़वा ग्रह अरुण और वरुण। वरुण ग्रह के जो है 13 उपग्रह हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक समाप्त होता है। इसकी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो एक सीरीज है वो मैं आपको अपलोड करवा दूंगा या कर दूंगा। इसी तरह की और के वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ई ज्ञान वाला चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी।